हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जी कैसे रहने वाली है। सो इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली टू पार्ट्स में डिवाइड और हम देखेंगे आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी। फर्स्ट मैसेज है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, देन वी हैव फ्लर्ट, देन वी हैव पैशन, देन वी हैव इट इज सेफ फॉर यू टू लव, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हीलिंग फैमिली इशूज। सो आपकी एनर्जी आज के दिन कन्वर्सेशन की है। बहुत सारे लोगों का आज के दिन हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकता है, या तो आप ड्रीम्स में, या तो टेलीपैथिकली, या तो रियल लाइफ में आप उनसे बात करेंगे। आपको उनकी तरफ से कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। दिल से अटैचमेंट है आपकी और दिल से दिल तक आपकी बात जाएगी। यहाँ पर आप लोग डिस्कस करेंगे अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए और आप लोगों की कुछ डीप कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। साथ ही साथ आज के दिन ये भी पॉसिबल है कि आप बहुत लाइट फील करें। आप अपने पर्सन के साथ अगर बातचीत कर रहे हैं तो आप उनके साथ कुछ फ्लर्टियस बातचीत करें, उनको कोई शायरी भेजें, कोई नॉटी मैसेजेस भेजें, कोई उनके साथ आप टाइम पास कर सकते हैं, मजाक जोक सपाट कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ फ्लर्ट की एनर्जी है। साथ ही साथ यहाँ पर पैशन की एनर्जी है। आज के दिन में आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हो सकते हैं। आपको उनकी याद बहुत ज़्यादा सता सकती है। अगर आप साथ में हैं तो आप लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। आज के दिन में आप में से कुछ लोगों को ये भी फील हो सकता है कि क्या इनसे प्यार करना मेरे लिए सेफ़ है, क्या अपना दिल खोल कर रख देना और अपनी पूरी जो आपने जो भी अपना एफ़र्ट आज तक लगाया है इस रिलेशनशिप में, क्या उतना ही एफ़र्ट अभी भी लगाना आपके लिए ठीक है, या आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा होल्ड बैक करना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ करेंगे आज के दिन में। साथ ही साथ जो कंप्लीट एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक वो है हीलिंग फैमिली इशूज़। आपके लव लाइफ में अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपकी फैमिली या उनकी फैमिली, आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स, आपके लाइफ में कोई अदर सिचुएशंस या उनके लाइफ में कोई अदर सिचुएशंस, तो कलेक्टिवली आज के दिन में आप उसे हील कर सकते हैं, उस ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी में निकल कर आया है। अब मैं देखूंगी आपके पर्सन की तरफ क्या मैसेजेस निकल कर आए हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, लव योरसेल्फ फर्स्ट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, रिट्रीट, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कीप एन ओपन माइंड। आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं या देना चाहती हैं। अगर आप दोनों बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं तो एक चांस आपको मिलेगा। अगर आपकी गलती है तो भी, अगर उनकी गलती है तो भी, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को एक और चांस मिले। रिट्रीट की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ इस तरह से खो जाना चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया से डिसकनेक्ट हो जाए, इनको किसी और की सुध नहीं है। यहाँ पर ये बिल्कुल आपके बारे में ही सोच रहे हैं, सोच रही हैं आपके बारे में। इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है आज के दिन में। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशंस है उन्हें अनफोल्ड होने दीजिए नेचुरली। अपना एफर्ट बहुत ज़्यादा या अपना कंट्रोल बहुत ज़्यादा मत डालिए किसी भी सिचुएशन में। लेट गो करिए, जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। और आपके पर्सन भी जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और रोमांटिक लाइफ के लिए ये स्टैंड लेने वाले हैं। ये सबसे पहले अपनी सुनेंगे और अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे और ये ओपन माइंड रख रहे हैं। आपके लिए अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या इनके ऊपर किसी तरह के बाउंडेशंस डाली जा रही हैं या कोई लिमिटेशंस डाली जा रही हैं, तो ये उन सब को पार करके आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की कोशिश करेंगे या करेंगी। तो यहाँ पर ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और ये आपसे प्यार करते हैं और ये आपके लिए हर तरह का एफर्ट डालने के लिए पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है आज दोनों तरफ। देखते हैं इसके बाद जो बड़ी रीडिंग आएगी उसमें क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। सो मिलते हैं बड़ी रीडिंग पे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।